हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकैपिटलेशन थ्योरी रिकैपिटलेशन थ्योरी अर्न स्टाइकल के द्वारा दी गई थी और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट ऑनटोजानी रिकैपिटलिट्स फाइलोजानी रिकैपिटलिट्स का मतलब होता है रिपीट करना इसमें तीन ही डम है ओंटोजैनी रिकैपिटलिट्स फाइलोजानी सो वॉट इज ऑनटोजानी फर्स्ट वी हैव टू नो दैट वॉट इज एंटोजैनी ओंटोजैनी ऑनटोजैनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनज फ्रॉम जयगोट स्टेज एंटिल इट इज़ रेडी फॉर द हैचिंग और गैसटेशन कहने का मतलब है कि जयगोट के स्टेज के डेवलपमेंट से लेके गैस स्टेशन और हैचिंग तक जितनी भी डेवलपमेंटल हिस्ट्री रही हैं ऑर्गेनिज की उसको ओंटोजैनी बोल दिया जाता है और ये जो ओंटोजैनी होती है ये फाइलोजैनी को रिपीट करती है फाइलोजेनी का मतलब होता है कि उसके एनसेस्टर की एवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है एनसेस्टर की एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसको फाइलोजेनी बोलते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑनटोजेनी की अगर हम बात करते हैं मतलब डेवलपमेंटल हिस्ट्री की तो वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री वही सारी स्टेजेस दिखाती है जो कि उसके एनसेस्टर की एवोल्यूशन की हिस्ट्री शो करती है ठीक है मतलब हम इससे पता कर सकते हैं कि वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनसेस्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओके okay. एंड इसी थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ भी बोला जाता है या एम्ब्रियोलॉजिकल पैरालिज्म भी बोला जाता है ओके okay.